हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू एप्स की दुनिया यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर आप किसी से बात कर रहे हो उस टाइम अगर कोई तीसरी व्यक्ति आपको फोन करता है तो उसके फोन में क्या तो है कि आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कल पर बेस्त है तो अगर आप भी यही चाहते हो कि जो आप दूसरे से बात कर रहे हो तीसरी व्यक्ति जब कॉल करेगा वो बिजी ना दिखाए मतलब उसके फोन में बिजी नहीं बताएगा स्विच ऑफ बताएगा वो कैसे होगा वो कौन सा सेटिंग है आप कैसे कर सकते हो आपके फोन में तो इस वीडियो में आपको लाइव टू लाइव दिखाऊंगा तो इस वीडियो को दोस्तों तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही इस की दुनिया में दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ तो बिना रमेश चलो देखते हैं लेट्स दोस्तों इसके लिए कौन सा सेटिंग करना है आपके फ़ोन में इस वीडियो को ध्यान से देखना थोड़ा भी स्किप मत करना तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं जो वीडियो देख रहे हो बस आपको इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ये ऑल वाला बेल पर आपको दबा के रख देना है और दोस्तों जो वीडियो देख रहे हो सिंपली नीचे कॉमेंट बॉक्स आएगा तो एड ए कॉमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर कमेंट कर देना है सिंपली कॉलिंग सेटिंग कॉलिंग सेटिंग ये एक कमेंट कर देना है ये जैसे ही आप कमेंट कर दोगे कॉलिंग सेटिंग तो कमेंट हो जाएगा उसके बाद अभी आपको बैक करके अभी आपको करना क्या होगा जो आपके फ़ोन है फ़ोन डायलर पर आना है जैसे कि कभी कभी ऐसे होते हैं आपको कोई फ़ोन करता है आप किसी और से बात करते रहते हो तो उसके फ़ोन में बिजी दिखाते हैं तो आज मैं बताऊँगा आप किसी से बात कर रहे हो कोई तीसरी व्यक्ति अगर आपको फ़ोन करेगा तो उसके पास बिज़ी नहीं दिखाएगा मतलब फ़ोन कट जाएगा फ़ोन रिंग भी नहीं करेगा बिज़ी भी नहीं बताएगा वेटिंग भी नहीं बताएगा ये कौन सा सेटिंग होगा तो ध्यान से देखो तो उसके लिए आपका जो फ़ोन डायलर फ़ोन डायलर पर आना है

ध्यान से देख लो जो कि अगर आपके फोन में दो सिम है जियो एयरटेल जैसे कि मेरे फोन में दो सिम है एक में जियो यूज करता हूं दूसरा एयरटेल यूज करता हूं अगर आप जियो के साथ साथ दूसरा सिम यूज करते हो जिसमें आपका रिसार्ज है उसी में आपको क्लिक करना है जिसमें फोन आता है तो अभी मैं यहाँ पे सिम पे जियो पे ज्यादा कॉल आता है तो जियो पे क्लिक करता हूं कर देने के बाद जियो वॉइस का ऑप्शन आएगा तो वॉइस में आपको क्लिक कर देना होगा कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो कि कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो कि जैसे कि ऑलवेज फॉरवर्ड वन बिजी वनसर्ड वनरीचेबल तो अभी आपको करना क्या होगा When busy, मतलब कि आप किसी से ऑलरेडी बात करते रहते हो उस टाइम अगर कोई तीसरे व्यक्ति आपको फोन करता है तो अभी यहाँ पे वैन बिजी का ऑप्शन में इसमें क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद ऐसे कोई नंबर डायल करना है जो नंबर मतलब गलत नंबर हो जो नंबर ऐसे अगर आपके घर पर ऐसे नंबर है जो स्विच ऑफ है या ऐसे कोई नंबर है जो गलत है मतलब ऐसे इंडिया में तो कोई भी नंबर होता है दस नंबर तो आप किसी का भी एक ऐसे ही ऐसे नंबर डायल कर दो मतलब दस नंबर होना चाहिए जैसे मैं गिनती करता हूं एक दो तीन चार पाँच छोड़ सात आठ नौ दस ठीक है तो अभी मैं टर्न ऑन पे क्लिक कर देता हूं जैसे यहां पे वन बिजी पे क्लिक करके अभी मैं फिर से टर्न ऑन अपडेट में क्लिक कर लेता हूं तो यहां मैं अभी नंबर एक डायल करता हूं जैसे ये देखो कोई भी एक नंबर ये देखो फिर टर्न ऑन पे क्लिक कर देता हूं जैसे ही टर्न ऑन पे क्लिक कर दिया तो फॉरवर्डिंग टू तो ये नंबर पे जाएगा मतलब ऑफ तो तो है, है, है तो इसी तरह से इस सेटिंग की मदद से जो है आप किसी से बात करोगे और जब वो आप कोई आपको तीसरी व्यक्ति फोन करेगा तो उसका फोन में स्विच ऑफ या तो नॉट ट्रेसिबल दिखाएगा तो ये सेटिंग भी आपके फोन में कर सकते हो तो दोस्तों आपको